हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं जी गेम्स HD और स्वागत है आपके मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया एपिसोड फीफा वर्ल्ड कप का। यस, फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हम ब्राज़ील के साथ और हमारे दो मैचेस हो चुके हैं जिसमें से एक मैच हमने कैमरून से जीत लिया था और सेकंड मैच जो था हमने ड्रॉ खेल लिया था ओमान के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक है आई बटन पे, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए और दोनों वीडियोस देख लीजिए। तो आज का हमारा नेक्स्ट मैच है वो है डेनमार्क के साथ और ये फाइनल मैच होने वाला है क्योंकि इसके बाद हम क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो इस मैच को खेल के हम ट्राई करेंगे भैया ये मैच जीत लें क्योंकि इसके पहले जो हमने ड्रॉ खेल लिया तो अब कंफर्म करना पड़ेगा कि हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। और भैया इस वीडियो को फटाफट 100 लाइक कर दीजिए और कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा इस मैच का बेहतरीन मोमेंट आपको कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं ऐसे वर्ल्ड कप के मैचेस लाता रहूं तो भाई शेयर करना तो बनता है, तो शेयर जरूर करें। तो आ जाते हैं इस मैच की तरफ, ब्राज़ील वर्सेस डेनमार्क। ओके, तो हमारे 7 नंबर आज भी खेल रहा है क्या भाई? लास्ट मैच वाला एवर्टन नाम था उसका, कहाँ है बंदा जिसने हमारे इतने सारे गोल मिस किए उस दिन। 3-4 चांस तो ऐसे थे जो डेड श्योर थे, वो पूरे मिस कर दिए भाई। पता नहीं क्या ही सोच के करे, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। और बिल्कुल बढ़िया आराम से गोल हो सकते थे वो, लेकिन अपना भाव भावुक हो गया और कहाँ यहाँ वहाँ मारता रहा, पता नहीं क्या सोच के मारे उसने वहाँ पे शॉट। ओके, तो डेनमार्क की टीम भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अच्छा नहीं खेलती, काफ़ी अच्छा खेलती है। लेकिन और वैसे तो लास्ट मैच से हम समझ ही गए कि कोई भी टीम यहाँ पर ऐसी नहीं है जो स्ट्रांग नहीं है। मतलब ये सोचना ही गलत है हमारा, अगर हम ये सोचें कि हमारी टीम ही बेहतरीन है और दूसरी टीम कुछ नहीं खेल रही तो ये गलत बात है भाई। क्योंकि लास्ट का जो मैच हुआ था हमारा ओमान का साथ, उस मैच में तो भाई क्या एन मोमेंट पे गोल हुआ, और गोल हुआ तभी हमारी जान में जाना। इधर हमको लगा कि हो गया हमारा पैकअप, तो हमको अपना पैकअप नहीं करवाना था, कैसे ना कैसे करके मैच जीतना था। तो हमने एट लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट ड्रॉ कर लिया और मैच, और कैसे ना कैसे करके मैच में वापस आ गए थे। लेकिन आज के इस मैच में हम पहले से ही ट्राई करेंगे थोड़ा अग्रेसिव मूड रखें और पहले से ही जीतने की ट्राई करें, जितने हो सके जितने भी हम मोमेंट बनाते हैं ट्राई करेंगे उसको कन्वर्ट करने में। वैसे तो सारे होते नहीं हैं लेकिन जितने भी हो जाएँ वही बेहतर है हमारे लिए, तो वो ट्राई हम करने वाले हैं। तो 7 नंबर हमारा सबसे पहले ही खड़ा था भाई, जिसने पिछले मैच में 3-4 ऐसी ट्राइयाँ करी क्या ही बताओ तुमको, जिसकी ऐसी इतनी गड़बड़ हो गई कि हमको मैच कैसे ना कैसे करके निकालना पड़ा। लेकिन आज मुझे भरोसा भाई नेमार पे, आज कुछ ना कुछ कमाल धमाल। ये है भाई बंदा नंबर 7 जिसने कि बहुत ही बहुत, मतलब आज तक मैंने कोई नंबर 7 इतना ख़राब खेलते हुए नहीं देखा, क्या ही बोलूँ मतलब। ओके, तो चलो सीधे मैच की तरफ आते हैं, बहुत हो चुका है टाइम पास और ये हमारा लाइनअप। तो मैच हो चुका है शुरू। कैमरा एंगल के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा लेकिन मैंने ब्रॉडकास्ट रखा है, इसके बाद लगे तो नेक्स्ट वाले मोड में चेंज कर दूंगा। ओके, गुड पास, और बढ़िया ट्राई थी लेकिन हो ना पाया ये गोल। बढ़िया मोमेंट था इस बार, वन टच पास में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं हम, जैसे ही बॉल मिले फट से पास कर दो तो उसी में ज़्यादा फायदा है। ये नंबर 7 की ट्राई थी, अच्छी थी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब क्या ही बोलेंगे भाई। ओके, ब्रॉडकास्ट में ऑर्डर रखा है लेकिन उन्हें फिर भी आप बोलेंगे कि चेंज ही करना है भाई तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉडकास्ट मोड इसलिए रखा है ताकि हर बंदे को हर मैच का पूरा मोमेंट देखने को मिले और एकदम जैसे रियल में आप देखते हो वैसा अनुभव जो है आप कर पाओ। ओके, गुड क्लियरेंस, डेनमार्क के पास गेंद और बढ़िया मूविंग। अच्छा था भाई। ओके, डेनियल उसके पास बॉल, अ बकनियरिंग रन फ्रॉम द डिफेंडर। ओ भाई, ओ कम ऑन, ओ भाई कौन, अच्छा रोक लिया बंदे ने बॉल। पास नीडेड टू बी बेटर देन दैट एंड ही नोस, ब्राज़ील कंट्रोल में है फिलहाल बॉल। कुचिनियो ने बॉल दिया वापस डेलियनिस के पास और ओ भाई क्या ही डिफेंस है इनका, जबरदस्त डिफेंस भाई। कुचिनियो, अरे भाई
भाई ये नेमार के पास बॉल क्यों नहीं आ रहा? अरे यार ये गलत पास है। That's just very well played. He can't hurt you with his back to goal, and he didn't go for the back. बहुत बढ़िया, good defense. And it's Coutinho. And here's Roberto Firmino. Trout calling for him to shoot. Move तो बन रहा लेकिन conversion में नहीं आ रहा भाई. नहीं भाई नहीं 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 बहुत गलत। स्टार्टिंग में गोल है ज्यादा बेहतर है। ओहो ये हो सकता था यहाँ पे कुछ कमाल धमाल। गुड डिफेंस डेनमार्क। Firmino. ले भाई बढ़िया बॉल। Still goalless. Driving on. Shoots. Oh. नेमार भैया के ट्राई तो अच्छे थे लेकिन कुछ कन्वर्ट नहीं हुए। बढ़िया मूव। थोड़ा सा हाइट ज्यादा भाई, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया था लेकिन फिर भी। दानी अल्वेस की बढ़िया दो क्रॉस थे लेकिन उनका कुछ फायदा उठा नहीं पाए। गुड बॉल। ओ भाई डेनमार्क यहां से बढ़िया, बढ़िया पोजीशन पे था भाई। बढ़िया बॉल है। अरे यार come on नेमार भाई, अरे इतनी जल्दी थक क्यों जाता है समझ नहीं आता। इतनी जल्दी थक जाता है इस मैच में, मतलब सेकंड हाफ तक तो भाई उसकी बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती कुछ भी करने की। ओ भाई मेरे नंबर सेवन। Just brushed off the ball there. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Denmark is also playing very well. And he's searching through. Oh, bhai, nikal diya tha ball. Shukar hai. Philippe Coutinho. No, that's not Come the ball on. Hoists it forward. Chalo, ball apna hi hai. ब्राजील के सारे प्लेयर इतनी जल्दी थक क्यों जा रहे भाई? अरे भाई ये कौन सा पास था? वैसे वन साइड मैच नहीं हो रहे कोई फिलहाल अभी तक, जिसमें ब्राजील ने बिल्कुल मतलब समझ लो कि ओवर होल्ड ही कर दिया। ओ ये था यहाँ पे चांस। भाई बॉल्स क्रिस्टेंसन फर्स्ट हाफ विदाउट एनी गोल। ड्रॉ तो नहीं खेल सकते भाई ये मैच, अगर ड्रॉ खेला तो समझ लो कि हमारा पैकअप है वर्ल्ड कप से। वैसे तो नंबर टू पे हम, लेकिन दूसरी कोई टीम अगर जीत जाती है तो फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा, तो हमको ये मैच जीतना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। Missing goals, so don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. Nil-nil. Le bhai. So we're just settling back into this second half. Okay. Brazil can feel really happy with themselves. The score. भाई बहुत ही बढ़िया खेले डेनमार्क वाले। But they've played with urgency and purpose, and can't afford to lose patience in this second half. They've got to persevere. And here's Roberto Firmino. Oh my. It was all about the quality of the delivery and they come away with nothing. Let's go. Denmark can't make any sort of inroad despite all this possession. Mil sakti hai ball, jitni jaldi mil jaye utna acha hai. Mere ko lag raha hai Denmark yahan se karne wala hai kuch kamaal. Daniel Alves.
forward, tracking back like that, always appreciated by the crowd. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help. Chal bhai, chal, chal, chal. I think, you know, any good team, really, your striker should be the first line of that defence, and he's delivering. It's Neymar! बढ़िया चांस था. प्लेयर देखो मेरे कितने मतलब लो लेवल पे हैं, एकदम चक्कर गया है इनका. डेनमार्क प्लेयर वैसे अच्छी बहुत बढ़िया डिफेंस कर रहा है, इस चक्कर में गोल नहीं हो पाया हमारा. And it's hoisted clear. Come on, come on. ओ भाई. And help's available out wide. Great strength, too strong for his opponent. It's a very good battle there, terrific to watch. Now it's Roberto Firmino. अरे नहीं यार. Schürrle. इतना बढ़िया बॉल मिला था. Christensen. Not long left, and still we await the breakthrough. Come on, come on, come on, come on. Finds himself eased off the ball. भाई किसको दिया? That's a waste. Eriksen. In with the challenge. Now it's Neymar. Tries a shot. ओहो, नेमार के तो हाल खस्ता है भाई, रेड हो गया वो तो पूरा. चक्कर गया यार, इतना क्यों थक रहा है ये? Over to the left. He's looked long this time. Oh, Red, he sorted that out. क्या बात है? That's the sort of defending that is going to upset the opposition. It already has, actually. Well, he's a source of potential trouble, so tight marking just has to. नेमार के बुरे हाल है भाई. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Daniel Alves. Come on, पूरा तो कर देता भाई पास. Christensen goes looking. And here's Roberto Firmino. बढ़िया बॉल है. Firmino plays it out to the flank. अरे ये क्या किया? Full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Looks to clip it forward. Played into space out wide. Come on. भाई कितने सारे चेंज करने पड़ेंगे मेरे को. इनके तो हाल बहुत बुरे हैं. His energy levels began to sag, and he was never going to last until the final whistle. Gets it back. Denmark showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Neymar looks to and a header. नेमार तो पूरा ही खत्म है भाई. बॉल बहुत बढ़िया थी, लेकिन सीधा होता ना अगर तो गोल था ये. कोई बात नहीं भैया, बढ़िया ट्राई की थी तूने. फेमिनो मेरे भाई, गोल चाहिए हमको भाई. मात्र 10 मिनट बचे. Jag plays it forward. Denmark go in search of their winner. Good challenge, he just stood firm. Lagai mere ko. This could still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Okay. Offside hi tha ye to. Okay. थोड़ी फ्रेश लेग्स तो डाल दी हमने, अब देखो. Delaney, भाई बहुत सारे प्लेयर है मेरे जो पूरे ही थके हुए हैं. कंसंट्रेशन लेवल्स आर वेरी गुड एंड सो इज द कमिटमेंट. दिस गेम कुड येट यील्ड अ विनर. अरे यार. वेल बोथ साइड्स might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. मुझे नहीं पता ड्रॉ के बाद हम अंदर होते भी हैं कि नहीं. ओह नो,
बहुत चक है भाई, हम गोल के सपने देख रहे हैं लेकिन हमारे सपने गोल मोल हो रहे हैं जैसा लग रहा। ले भाई बॉल, Richarlison gets into some space. अरे जा भाई मेरे, ये क्यों ऐसे मुड़ते जैसे जा रहा है। चलो फाइनली ड्रॉ ही सही, लेकिन हमने क्वालिफाई कर लिया है। ओ भाई, पर ऐसे हालात रहेंगे भाई ब्राजील के, तो मेरे को पता हो आगे आने वाले मैचेस में क्या होने वाला है। बॉल यार, आई नो यू पीपल हैविंग क्वालिफाइड, लेकिन ये कोई वे नहीं था भाई हमारे पर, इतनी जल्दी थक जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्यों थक रहे हैं ये। चलो नेक्स्ट में तो गए, एटलीस्ट देखना पड़ेगा वहां क्या होने वाला है। ओके यार, मतलब बड़ा ही एकदम, इतने लास्ट में मेरे को लगा कि डेनमार्क स्कोर ही ना कर देगा हमारे ऊपर। ग्रीस और कोस्टारिका, स्पेन ने 4 गोल से जीता भाई मैच, जर्मनी 1 गोल से, मेक्सिको हार गई सऊदी अरेबिया से 3 से, और कैमरून जीत गया ओमान से। ओके तो हम क्वालिफाई हो चुके हैं। ओके तो अब हमारा सऊदी अरेबिया के साथ नेक्स्ट मैच है, तो गेम प्लान क्या है हमारा वो छोड़ो। तो ये था हमारा यहाँ तक की जर्नी, तो फर्स्ट नॉकआउट स्टेज के मैच ही शुरू हो चुके हैं और फर्स्ट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो थोड़ा लाइक मार देना और शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू, बाय बाय।